हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम, लोअर पीसीएस एग्जाम और जो झारखंड स्टेट में जल्दी एग्जाम होने वाले हैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 15 क्वेश्चन है ये रिलेटेड होंगे आपके जो इंपॉर्टेंट दिन होता है उससे होगा संबंधित, क्योंकि देखिए दिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे बुक से रिलेटेड और उनके लेखक जो कि पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और उसको शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जो महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और जो सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को दिखाने के लिए और उनके महत्व को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ये 25 जनवरी को। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है, इससे जस्ट एक दिन पहले क्या बनता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के प्रसिद्ध महान खिलाड़ी थे ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 2019 की थीम क्या है ये भी आप लोग याद कर लीजिए। 2019 की थीम है बीट एयर पोल्यूशन। जहाँ बात की जाए 2018 की, तो 2018 का थीम क्या था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड दिस टाइम द थीम इज बीट एयर पोल्यूशन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 21 जून 2015 को। 2015 की शुरुआत हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डे तो आपको पता होना चाहिए, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसकी शुरुआत हो गई थी 2015 से। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है ये 21 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम 2016 में पूछा गया था। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द टर्बुलेंट ईयर्स 1982-1996 किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द टर्बुलेंट ईयर्स 1982-1996। अभी इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी को। प्रश्न है, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नंदन नीलकनी। ठीक है, नंदन नीलकनी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है नंदन जी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं फरीद जकारिया। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर।
अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भारत के अभी जो लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण अडवाणी, इनकी ये आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए अब बात की जाए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और अभी लास्ट कौन है? अब इसके बाद से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तो लास्ट जो थे वो कौन थे? लाल कृष्ण अडवाणी। उसके बाद से ये पोस्ट अभी नहीं किसी को दी गई है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो माई कंट्री माई लाइफ ये आत्मकथा है लाल कृष्ण अडवाणी जी की, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए केवल 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में आपके 15 क्वेश्चन तैयार हो गए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।